कुछ आए मोर पिया भोर बे कुछ आए मोर पिया कौन सतन संग रे रात भोर बे कुछ आए मोर पिया सनद गहत मोरी जिया नहीं माने सनद गहत मोरी सनद गहत मोरी जिया नहीं माने जाओ जाओ जा सारी रेन जाग भोर बे उठ आए मोरे पिया कौन सतन महफिलें सजती रहेंगी कद्रदाम मिलते रहेंगे गुफ्तगु मेहमा से होगी रास कुछ खुलते रहेंगे। तो नाजरीन एक नया एपिसोड एक नया मेहमान अनमोल रत्नों में से एक नायाब चमकता नगीना सिर्फ आपके लिए। हुजूर मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि कुछ लम्हे पहले जिस आवाज़ को आपने सुना उसका जादू अब भी आपके सर चढ़कर बोल रहा है। देखिए तो अभी तक आप उसे गुनगुना रहे हैं। तो कुछ समझ में आया कि आज के हमारे मेहमान कौन हैं? जी बजा फरमाया। इस दिलकश और जादू भरी आवाज़ के मालिक हैं प्रबोध चंद डे यानी कि मन्ना डे साहब। ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल बीच में धरती वाह मेरे मालिक तूने किया कमाल। ऊपर गगन विशाल आहा आओ ट्विस्ट करें गा उठा मौसम। आओ ट्विस्ट करें आओ ट्विस्ट करें गा उठा मौसम गा उठा मौसम। 1920 में बंगाल के पूर्ण चंद्र डे और महामाया डे के साहबजादे प्रबोध चंद्र डे यानी कि मन्ना डे साहब इस दुनियाए फानी में नमूदार हुए। इनके वालिद चूंकि पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे सो उनकी दिली ख्वाहिश थी कि उनकी औलाद भी पढ़ लिख कर बैरिस्टर बने। लेकिन मन्ना दा पर तो गहरा असर रहा उनके चचा जान केसी डे का। केसी डे जो कि खुद एक आला दर्जे के मूसीकार और गुलूकार थे बस मौका मिलते ही मन्ना ने अपने चचा का दामन कसकर पकड़ लिया। फिर क्या था इस गुलूकार ने वो गुल खिलाया ना तो वो कभी मुरझाया है ना रहते दुनिया तक मुरझाएगा। अरे हटो काहे को झूठी बनाओ बतिया बनाओ बतिया बनाओ बतिया हटो काहे को झूठी न बनाओ बतिया हटो काहे को झूठी न बनाओ न बनाओ न बनाओ। इस दिलकश गुलुकार ने संगीत की शुरुआती तालीम अपने चचा की शागिर्दी में ली। उसके बाद उस्ताद अमान अली खान साहब से इनका साबका पड़ा। दरअसल मन्ना दा का फिल्मी सफर कब और कहां से शुरू हुआ ये भी काबिले गौर है। अब इसके मुतालिक मन्ना दा से बेहतर और कौन बता सकता है। 1942 की बात है। पढ़ाई खत्म करने के बाद संगीत की तालीम तो जारी था ही साथ ही साथ मैं चाचा के साथ न्यू थिएटर्स और काली फिल्म स्टूडियोज़ में जाना आना शुरू कर दिया और काली फिल्म्स जहाँ चाचा जी म्यूज़िक डायरेक्शन कर रहे थे कुछ सीखने का मौका वहाँ भी मिल गया मुझे। बाद में कुछ नवंबर या दिसंबर के महीने में सीएम त्रिवेदी साहब बम्बई के सीएम त्रिवेदी साहब आए और एक यूनिट बना के बम्बई लेके आए एंड चाचा जी म्यूज़िक डायरेक्शन करने के लिए और काम करने के लिए आ रहे थे
मैंने बोला चाचा मैं आता हूँ आपके साथ। चाचा ने बोला क्योंकि आना तो था ही, किसी को चाचा जी की आई साइड तो नहीं थी, तो मैंने आया और काम करना शुरू किया। एक दिन शिवाजी पार्क में, उन दिनों में हम लोग रहते थे, और शंकरराव व्यास जी जो म्यूज़िक डायरेक्टर और विजय भट्ट जी जो मालिक और डायरेक्टर भी थे रामराज के प्रकाश पिक्चर्स के, तो आए और चाचा जी से कहे कि भाई हमारे पिक्चर में दो गाने हैं आप गाइए। तो चाचा जी बोला प्लेबैक तो मैं नहीं गाता हूँ, आप मन्ना से लीजिए। तो मन्ना कौन है? बोले ये है। बोले ये तो बच्चा है, वो कैसे गाएंगे? बोले आप तो कोशिश करके देखिए। तो फिर दूसरे दिन मैंने प्रकाश स्टूडियो गया, वो गाने का रिहर्सल किया और एक डामी रिकॉर्डिंग भी की गई। मैं तो बहुत हिम्मत लेके गाया था, गई तू गई त्यागमयी, तू गई तेरी अमर भावना अमर रही। ये था मेरा पहला गाना। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मन्ना डे ने 11 साल की छोटी सी उम्र में ही एक गाना रिकॉर्ड किया था, वो भी अपने चाचा के म्यूजिक डायरेक्शन में। फिर वो वक्त आया जब मन्ना डे के चाचा जान उन्हें अपने उस्ताद दबीर अली खान साहब के हवाले कर मुंबई की तरफ रवाना हुए। इस बीच मन्ना डे पे क्या क्या गुजरी जरा सुनिए तो, ये मुद्दा काबिले गौर है। हमारे चाचा के उस्ताद दबीर खान साहब द्रुपद गायकी के माहिर थे, और चाचा जी जब मुंबई आ रहे थे फिल्मों के काम के लिए, मुझे सौंप के आए उनके हाथ, और मैं पूरे एक साल द्रुपद सीखता रहा उनसे। 20 साल का नौजवान और एक साल सिर्फ द्रुपद गाए, ये मालूम नहीं मुझे, मैं मुझे अच्छा नहीं लगा। और मैं ये मन ही मन में ठान लिया कि चाचा जी आने के बाद ही कहूँगा कि चाचा मैं ख्याल गाना चाहता हूँ, ठुमरी गाना चाहता हूँ। इस दिलकश गुलुकार ने मौसीकी के हर रंग को अपने अंदाज में बखूबी ढाला, हर अंदाज दिलकश अंदाज, अपने आप को कभी भी किसी दायरे में नहीं बांधे रखा। इतने लंबे फिल्मी सफर का तजुर्बा कैसा रहा मन्ना दा? अरे कुछ तो बोलिए हुजूर। 50 साल से मैं बम्बे की फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, बड़े बड़े मास्टर्स खेमचंद प्रकाश, अनिल विश्वास, बर्मन साहब, नौशाद साहब, मदन मोहन, रोशन साहब, फिर श्री रामचंद्र साहब, सबके साथ मैंने काम किया। और बाद में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन जैसे बहुत हमारे फिल्म इंडस्ट्री के फिल्म म्यूज़िक में जो माहिर हैं, सबके साथ मैंने काम किया। बहुत बहुत कुछ सीखा, कुछ छूट भी गया। मुंबई पहुंचकर मन्ना डे ने म्यूजिक डायरेक्टर एचपी दास और एसडी बर्मन को असिस्ट किया बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर। लेकिन कहते हैं ना, हौसले बुलंद हों तो मंजिल खुद कदम चूमती हैं। तो बस एक वाकया पेश है इसी के मुतालिक। 1950 में एक पिक्चर बन रही थी बॉम्बे टॉकीज में, नितिन बोस साहब डायरेक्ट कर रहे थे और बर्मन साहब म्यूजिक डायरेक्शन कर रहे थे, प्रदीप जी गाने लिख रहे थे और मैं था बर्मन साहब का असिस्टेंट। तो एक गाना बना, ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल, बीच में धरती, वाह मेरे मालिक तूने किया कमाल। और प्रदीप जी और बर्मन साहब मुझसे कहे कि भाई मन्ना तुम गाओ, तुम्हारे चाचा जी के स्टाइल से गाओ। और इन दिनों में चाचा जी का स्टाइल, जो गाने का स्टाइल, वो मुझ पर बहुत असर किया हुआ था और उसी ढंग से मैं गाया करता था। और था भी गाना बर्मन साहब बनाए भी थे उसी ढंग के। ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल, बीच में धरती, वाह मेरे मालिक
तूने किया कमाल। अरे वाह मेरे मालिक क्या तेरी लीला, तूने किया कमाल, तूने किया कमाल। ऊपर गगन विशाल आहा, अच्छा गा लेता था उन दिनों में उस स्टाइल से। और फिर मैंने वो गाना गाया और सबने पसंद किया और मेरे दिल में भी बहुत आत्मविश्वास भी बढ़ गया बहुत। मैंने सोचा कि भाई अब तो मुझे गाना ही गाना है, म्यूज़िक डायरेक्शन वो कभी कभी कभार बाद में करेंगे, तो गाना गाना शुरू किया। इस गाने की बदौलत मन्नाडे साहब को पूरे मुल्क में जो मकबूलियत हासिल हुई वह यकीनन किसी खुदाई करिश्मे से कम नहीं है। किसी भी नगमे के हिट होने का सहरा मन्नाडा ने सिर्फ अपने सर नहीं बांधा बल्कि उसकी मकबूलियत में मूसीकार और नगमा निगार के काम को भी तरजीह दी। मुझे लगता है कि एक गाना बनाने में जो मेहनत म्यूजिक डायरेक्टर करते हैं जी और कवि जो करते हैं ना मेहनत, ये दोनों में जो मिल के काम होता है ना। और हम लोग तो जैसे कि कोई बिरयानी बहुत अच्छा बना दिया, हम लोग जाकर खा के चले आए, क्या झगमाला भाई खा के क्या चले आए, लेकिन ये बनने में कितनी देर लगी और कितनी कितना क्या कुछ करना पड़ा। तो अनिल दा को जब दिया गया है गाना, अनिल दा उसके ऊपर बनाया, नाच रे मयूरा नाच रे मयूरा खोल कर सहस्र नयन देख सघन गगन भगन देख सरस स्वप्न जो के आज हुआ पूरा नाच रे मयूरा। इस आला दर्जे के गुलुकार को तमाम इनामों एहतराम से नवाजा गया। 1971 में मेरा नाम जोकर का गाना ए भाई जरा देख के चलोगे लिए इन्हें फिल्मफेयर अवार्ड भी दिया गया। इतना ही नहीं, इन्हें मुल्क के सबसे आला एहतराम पद्मश्री से 1971 में और 2005 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया। गुलुकारी के अपने इतने लंबे सफर में मन्ना दा ने तकरीबन 4000 नगमों को अपनी सुरीली आवाज से सजाया सवारा। हम ख्वाहिशमंद हैं कि ये दिलकश आवाज़, ये शीरी ज़ुबान ता कयामत यूं ही आबाद रहे और आवाम के कानों में ऐसे ही मिठास घोलती रहे। तो नाज़रीन, आज का ये एपिसोड बस यहीं तक। अगले हफ्ते फिर एक नायाब नगीना आपके लिए। तब तक खुदा हाफिज़।